também, também. तुम दोनों को थोड़ा और जोर लगाना होगा। मुझे पता है ट्रंक्स कहाँ है। मेरा नाम फू है और मैं ट्रंक्स का दोस्त हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, बताओ ट्रंक्स कहाँ है। ट्रंक्स मुसीबत में है और वो अभी किसी और प्लेनेट पर है, और वो जिस प्लेनेट पर है उसका नाम प्रिजन प्लेनेट है। क्या बोल रहे हो, प्रिजन प्लेनेट? तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो प्रिजन प्लेनेट पर है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। उस प्लेनेट पर सभी यूनिवर्स के खतरनाक मॉन्स्टर आते हैं। मुझे नहीं लगता ट्रंक्स वहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा। ट्रंक्स खतरे में है, तुम्हें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। ट्रंक्स को तो हमेशा मदद की जरूरत पड़ती रहती है, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। चलो चले क्या करोट। वेजिटा देखो ये कितना बड़ा चेन है। मुझे एक बड़ी शक्ति महसूस हो रही है केकारोट। हाँ मैंने भी महसूस किया। आखिरकार तुम मिल ही गए। मैंने तुम्हें वहां देखा था, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। वहां से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो? वो क्या था? इसका कोई फायदा नहीं, ये जगह पूरी तरह बंद है। तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तो ये बात है। ये उतना भी बुरा नहीं था। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये तुम्हारे लिए है सेयंस। तुम सेयंस आपस में लड़कर मरने वाले बुजदिल सेयंस हो। अपना मुंह बंद रखो तुम। ऐसे छोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्या? तुम्हारा कामयाब यहाँ काफी अच्छा था, लेकिन इससे तुम इस चेन को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा कोई भी तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे वो तुम्हारा कामयाब यहाँ काफी पसंद आया। तुम लोग कभी भी अपने हमशक्ल से यहाँ मुलाकात कर सकते हो। मेरा नाम गोकू है और मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। तुम किस यूनिवर्स से हो? मेरा काम यही है कि जो भी दूसरी दुनिया में दखल देने की कोशिश करता है मैं उन सबको रोकता हूँ। हाँ, इसका मतलब तुम एक अच्छे आदमी हो। मुझे लगता है ये इस प्लैनेट के बारे में कुछ जानता है। जल्दी तुम लोग एक ताकतवर सैयन से मिलने वाले हो। इस यूनिवर्स में जितने भी ताकतवर योद्धा हैं, मैं उसे यहाँ लाता हूँ, और जान बचाने के लिए वो एक दूसरे का खून बहाते हैं। हाँ, क्या एक ताकतवर योद्धा? तुम लोग इस प्लेनेट पर आकर फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम सिर्फ एक शैतान हो और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई शैतान नहीं। मुझे तो इन सभी योद्धाओं को मरते देख बहुत मजा आता है, और जल्दी तुम्हारी बारी आएगी। ट्रंक्स कहाँ है गधे कहीं के? ट्रंक्स को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और मेरी बात माने तो तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढना चाहिए। अब तुम सबकी मदद सिर्फ और सिर्फ सेनरॉन ही कर सकता है, तो जाओ और जाकर ड्रैगन बॉल को अभी से ढूंढो। क्या ड्रैगन बॉल? ये है वो बॉल। हे, तुम्हारे पास तो एक है। हाँ, ये ड्रैगन बॉल मुझे उसी ने दिया था। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास तो एक ड्रैगन बॉल पहले से ही है, और बाकी के ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए तुम्हें योद्धाओं से भी लड़ना पड़ सकता है। तो गुड लक। हाँ, ये क्या चीज है मेरे हाथों में? हाँ, हाँ? आखिर मैं हूं कहां?
हाँ वो ड्रैगन बॉल तुम मुझे दे दो। मुझे जाने दो यहाँ से। लगता है सारे के सारे योद्धाएं वापस आ रहे हैं। इन सभी यूनिवर्स के योद्धाओं पर मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आ रहा है, और बहुत जल्द तुम्हें भी उन सभी योद्धाओं के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। आखिरकार वो ईवल से जाग ही गया। अब इसका खेल देखने में बड़ा मजा आएगा। हे वेजीटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फू किस तरह के सेन के बारे में बात कर रहा था? वो बकवास कर रहा था। हमें अभी सिर्फ ट्रंक्स को ढूंढना है। हाँ, अब वो क्या है? क्या कमाल की शक्ति है? क्या ये भी एक सेयन है? मैं तुम्हारा यहां पर रहना सही नहीं, तुम यहां से दूर चली जाओ। क्या ये भी एक सेयन है? मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी महसूस नहीं की। पागल हो गए क्या? करो नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? ट्रंक्स, तुम जाकर उस क्या करोट को संभालो, तब तक मैं इससे लड़ता हूं। समझ गया डैड। कूलर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वो एक ईवल सेयन है जिसका नाम है कुंभर, और वो अब पूरी तरह से आजाद है। कुंभर, तो ये एक ईवल सेयन है। सुनिए डैड, कूलर अब हमारे तरफ है। मैं किसी की तरफ नहीं हूं बच्चे। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? फू, तुमने कहा था फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा बन चुका है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, और जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा ये नया फॉर्म तुम्हें कैसा लगा? मैं इसे कहता हूं गोल्डन कूलर। चलो शुरू करते हैं। गोकू, आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ट्रंक्स। वेजीटा कहाँ है?
वो उस ईवल सैयन से लड़ रहे हैं। ये आखिर है कौन? इसका नाम है कुंवर, एक ईवल सैयन। एक ईवल सैयन? एक पुटारा? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। कोशिश बेकार है बच्चे। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। जल्दी करो के कराट, हमें फ्यूज होना होगा। ठीक है। चलो शुरू करें कुंभर। क्या बात है, वो अपना पावर बढ़ा रहा है। सच में इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम ठीक तो हो प्रंस? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तुम जैसे ताकतवर विरोधी का सामना मैंने पहली बार किया है, अब मुझे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? खत्म कर दो। ये लड़ाई तो काफी पेचीदा होती जा रही है। अब इससे बचकर दिखाओ। ऐसे तो पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। हाँ वाह क्या बात है, मार डालो, खत्म कर डालो मेरे ईवल सैयन। ये तो अपना शक्ति बढ़ाता ही जा रहा है। अब इसे खत्म करते हैं। Ah!
मुझे काफी पसंद आया, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब आएगा मजा। ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। इसने तो हम दोनों को अलग कर दिया। क्या करा? तुम्हारा जवाब नहीं मेरे इवल सैयन। तुम्हारा ये बड़ा सा रूप देखकर मैं कहा कुचल डालो उन्हें अपने बड़े बड़े पैरों से। वेजिटा, मुझे पता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हमें इसकी पूंछ को काटना होगा। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। नहीं गोकू, तैयार हो ट्रंक्स। ये तो काफी ताकतवर लगता है। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। आखिर ये है क्या? लड़ो और लड़ो, उन सभी को खत्म कर दो। मैं तुम लोगों को अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे अपनी ताकत देना है और कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे सही से कैसे करना है। नहीं गोकू, क्या करो? हाँ
गुना। तुम यहाँ पर? इसे तोड़ना नहीं है, समझे बेवकूफ? लड़ो मुझसे। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अब तुम इससे बचकर दिखा कंबर। क्या बात है, आखिर इसने ये कैसे किया? ठीक है, अपनी लड़ाई जारी रखो। तब तो मैं तुम्ही से लड़ूंगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। आखिर वो बेवकूफ क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहुत हुआ, इसे अब मैं संभालता हूँ। ऐसे तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकूंगा। कौन है वो? किसने किया है ये सब? बस इतना ही दम है तुम में? ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें
तुम्हारा मरने का वक्त आ गया। अब इसे खत्म करते हैं। क्या अब तुम्हारी लड़ाई हम लोगों के साथ है? मुझे नहीं पता तुम हो कौन, लेकिन तुम ताकतवर लगते हो और मुझे ताकतवर विरोधी से लड़ना पसंद है। वहां तो आपके हम शक्ल हैं डैड। अब ये लोग कौन हैं? सुनो, तुम उस कैकरोट को लेकर यहां से दूर चले जाओ। चलो शुरू करते हैं। इसकी ताकत तो लाजवाब है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे फ्यूजन पसंद नहीं है। मैंने भी ये कभी सोचा नहीं था। हमने कर दिया। ये तो खत्म होता जा रहा है। फू। तो तुम लोग हो जिन्होंने मेरे लैब को तोड़ कर रख दिया। तुम्हें तो मैं। आखिरकार तुम आ ही गए फू। तुम्हारे लैब के साथ तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। तुम लोग यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हो और अब मेरा प्लान है तुम लोगों को सजा देना। तो तुम लोग अब तक जिंदा हो, अब नहीं रहोगे। चलो इसे पकड़ते हैं नजीजा। अब ये हमारा मिशन है। हाँ।
आखिर इतनी शक्ति इसके पास आ कहां से रही है? डरो मुझसे। ये क्या? ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया हो। वे लोग जल्दी तुम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। यहाँ पर तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। काश कि ये सब मैं अपने आंखों से देख पाता, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम लोग नहीं जा सकते। उसे जाने दो कैकरोट, हमें यहाँ से सिर्फ ट्रंक्स को लेकर जाना चाहिए। आखिर ये है क्या चीज? मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? ये क्या चीज है? ये कमाल है। चलो अब हमारी बारी है, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन कहां? Oh!
Zamasu! आखिर ये सब हो क्या रहा है? आ!